कांग्रेस पार्टी के जगदलपुर से विधायक रेखचंद जैन ने देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल रेखचंद जैन ने केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताया है। उन्होंने कहा कि बीते 8 साल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बढ़ी है। खाने पीने के सामान से लेकर स्कूली बच्चों के पढ़ाई लिखाई की चीज़ें महंगी हो गई हैं, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आम जनता पर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण 2 लाख से ज़्यादा छोटे बड़े उद्योग बंद हो चुके हैं। 8 साल हो गया सत्ता में आ गए, अपने किए हुए वादों को भूल गए, महंगाई चरम सीमा में, बेरोजगारी चरम सीमा में। 4 तारीख को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर राष्ट्रव्यापी विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है।